गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम होमवर्क दिया होगा, उसमें कुछ डाउट है क्या? डाउट्स हैं क्या बच्चों कुछ कल के होमवर्क में? लास्ट वाला जो होमवर्क था उसमें ठीक है, तो पहले हम लोग होमवर्क में डाउट डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोजेक्शन मतलब वही कंपोनेंट निकालना सिद्धि, प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट निकालना, कोई एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है या फिर कंपोनेंट निकालना है, एक ही बात है। इंटेक्स 6 का 4 देखो, आपको ये पता है इंटेक्स 6 के 4 में देखो, पेपर डिस्कस कर दू अच्छा एक मिनट रुको, फिर मैं पेपर ओपन कर लेता हूं। पेपर में बताओ फिर क्या डाउट है, पहले पेपर डिस्कस कर लेते हैं फिर मॉड्यूल डिस्कस करते हैं। मैं पेपर ओपन कर रहा हूँ, ये
चलो अब इसमें पेपर में बताना शुरू करो कहाँ कहाँ पे डाउट है। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑर्डर सबका सेम था अलग अलग था। आर्बिट्रेरी का मतलब यार थोड़ा मराठा वालों के साथ दिक्कत रहती है, इंग्लिश की थोड़ी दिक्कत रहती है यार सिद्धि, बादाम खाने से भी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो फिर मुझे ये बताते जाओ ना, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर ऊपर कर रहा हूं, आप बताते जाओ इसमें पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है। इसमें डाउट नहीं है ना पहले क्वेश्चन में। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर आपको गिवेन है, इसमें सब लोग देख के बताओ। सेकेंड में डाउट है इसके, सेकेंड में स्क्रीन पे देखो बच्चों, सेकेंड देखो, सेकेंड में डाउट है। प्लीज यार प्राइवेट चैट नहीं करो, भंसाली जी को इसमें डाउट है। इसमें देखो क्वेश्चन बस इतना सा दिया है कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, हाँ हमें एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, तो हम इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दें सो दैट कि डिस्प्लेसमेंट हमें फाइनल 7 मीटर मिले अलोंग एक्स डायरेक्शन। मतलब हमें एक डिस्प्लेसमेंट कुछ डी वन दिया है, डी टू पूछा है, और डी वन डी टू का सम करने पे हमें क्या मिल जाए, रिजल्ट कितना मिले 7 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब 7 i कैप मिले। और यहाँ डी वन की वैल्यू डाल दो, और इस पूरे टर्म को इधर ले आओ तो डी टू आ जाएगा, समझ आ रहा है, ये वाला आ जाएगा। प्लीज समझ आया, हमें डी वन दिया था, डी टू पूछा था कितना ऐड करें कि रिजल्ट 7 i कैप हो जाए। फिर थर्ड में डाउट है, थर्ड में डाउट है बच्चों, इसमें देख लो थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, है डाउट। थर्ड देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी सी आर दिस 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 और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो यहाँ पे आपको बोला गया है सी आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ना, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करो तो सी मिल रहा है ना, सी आपका। अब देखो अगर आप इनको ऐड करोगे ए वेक्टर और बी वेक्टर को, ये दिख रहा है कि 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे ना, ये अगर ए होगा ये बी होगा तो ये हमारा सी हो रहा होगा, ये 3 है ये 4 है ये 5 है, तो ए और बी के बीच में कितना एंगल हो रहा होगा ना, ये दिख रहा है कि ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री ना, 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ना, उसमें ए और बी को ऐड करोगे तो सी मिल रहा है। फोर्थ बताओ, इफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इसमें है डाउट नहीं है, ठीक है आगे चले। फिर इसमें है डाउट, चौथे में डाउट है, चौथे में बस फॉर्मूला लगा दो। देखो ए प्लस बी इसको कैसे बताओगे, ए प्लस बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस बी के बराबर आ रहा है ना, इधर वाला साइड क्या है ए प्लस बी, तो अब दिख रहा है कि ये कब ए प्लस बी बनेगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी ना, तभी ना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब थीटा 0 डिग्री होगा।
में डाउट है। फिफ्थ में बच्चों डाउट है? नहीं है। सिक्स देखो, सिक्स में डाउट है? फिफ्थ में डाउट है? ड्रेस फिफ्थ में बोल रहा है ना? देख तुझे ये बोला गया है कि दो वेक्टर का मैक्सिमम 17 है, मिनिमम 7 है, तो मैक्सिमम कब आएगा? अगर दो वेक्टर है तो मैक्सिमम कितना होता है? ए प्लस बी होता है ना, और मिनिमम कितना होता है? ए माइनस बी। तो इसका मतलब ए और बी अलग अलग कितने हुए? दो वेक्टर के रिजल्ट का मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होता है ना, याद है ना सबको? रिजल्ट जो रहता था ए माइनस बी से ए प्लस बी के बीच में रहता था। तो आपको मैक्सिमम दिया है, मिनिमम दिया है, तो आप इनको यूज करके आप निकाल सकते हो। ए कितना है और बी कितना है? अब आपको बोला गया जब ये 90 डिग्री पे होंगे तब का रिजल्ट बताओ। जब ये 90 डिग्री पे होंगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी कॉस थीटा, जीरो हो जाएगा ना, कॉस 90 जीरो होता है। तो ए पता है, बी पता है, आर निकालना है, 13 आ जाएगा। अगला देखो, टू फोर्सेस 12 एंड 8 एक्टेड अपॉन अ बॉडी, देन व्हाट इट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। 12 और 8 को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम कहां तक मिलेगा? 12 और 8 को ऐड करते हो तो मैक्सिमम 20 तक ही मिलता है ना, बस ये 20 बताना था। अगला देखो, बता दो ना डाउट है या नहीं, ऐसे सब थोड़ी सॉल्व करूंगा। इनमें बता दो कौन सा करना है, 7-8 में देख लो है डाउट इन दोनों में, 8 में डाउट है। टू वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी। अब देखो वेक्टर ए और प्लस बी बराबर है वेक्टर ए माइनस बी के, ऐसे दिया है ना, तो आप इसमें वेक्टर ए को वेक्टर ए से कट कर सकते हो, दोनों साइड है ना। आप या तो इसको इसको इस साइड ले आओ, आप ऐसे लिख दो ए प्लस बी बराबर माइनस ए प्लस बी ना, इसको सबको उस साइड ले गए, ये कट जाएगा, टू बी बराबर जीरो, तो मतलब बी वेक्टर यहाँ पे जीरो वेक्टर है ना, ये वाला आंसर होगा। रॉन्ग क्यों है तेजस? यहां देखो केवल आपको मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं बोला गया है, यहां डायरेक्शन के साथ इक्वल बोला गया है। अगर केवल मैग्नीट्यूड इक्वल करोगे तो फिर ये एक रेक्टेंगल बन रहा होगा। एक रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल सेम होते हैं, तो आप एक डायगोनल ये ए प्लस बी होगा, एक ए माइनस बी होगा, लेकिन क्या दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा? डायरेक्शन तो अलग अलग होगा ना, तो अगर डायरेक्शन के साथ इक्वल बोला गया है तो यही पॉसिबल है ना। अगर केवल मॉड लगा के इक्वल होता तो फिर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तब ये वाला आता, अगर यहाँ मॉड लगा होता दोनों साइड। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? समझ आ रहा है? हम लोगों ने क्लास में ऐसा मॉड वाला किया था तो सब लोगों ने वही दिमाग लगा दिया, ये मॉड वाला नहीं था ना। ठीक है, आगे चल रहा हूं ना। ये देखो एक दो दिन में ग्रुप पे आ जाएगा, रैंक लिस्ट जो होगी एक दो दिन में आएगा सब। चलो अब इनमें बताओ, और कोई भी डायरेक्ट मैसेज नहीं करो बच्चों, क्लास को पता चलना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। नाइन्थ में डाउट है? आंसर रॉन्ग दिया है।
वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन वैल्यू ऑफ अल्फा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी जीरो कर देंगे, तो टू इंटू माइनस फोर प्लस थ्री इंटू फोर प्लस एट इंटू अल्फा बराबर जीरो। तो ये कितना हो गया, माइनस एट प्लस ट्वेल्व प्लस एट अल्फा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कितना जा रहा है, अल्फा इक्वल टू यहां से आ जा रहा है माइनस वन बाई टू, तो ये आ रहा है। और क्या दिया है आंसर, वही दिया है, श्रेयस वही दिया है भाई। अगर तुझे गलत आया है तो तू उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं करेक्शन करा दूंगा अगर ऐसा कुछ है। ये बताओ अगला, 10 और 11 में देखो डाउट है, 11 में डाउट है। 11 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन दिस टू पोजीशन दिस ड्यू टू फोर्स दिस, व्हाट विल बी द वर्क डन। देखो अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे मूव किया तो कौन सा इनिशियल पोजीशन हुआ, कौन सा फाइनल पोजीशन हुआ। जो पहले दिया है क्या वो इनिशियल होगा, एक पार्टिकल फोर्स लगा करके ना इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाता है, तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब वर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ये फोर्स दिया है आपको, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ना, आपको ये दिया है ये दिया है, यहाँ दोनों की वैल्यू डाल दोगे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लास में किया था सेम ऐसा क्वेश्चन, ये दिया है ये दिया है, डी आ जाएगा, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, अंकित हो जाएगा। अबे अंकित कहाँ गए, बाकी बच्चों आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है अंकित, बाकियों से भी पूछ लेता हूँ, आंसर मैच किया था किया है तो फिर तू अपना कैलकुलेशन चेक करो ना, इस वाले वेक्टर में से ये सब्ट्रैक्ट करो और डॉट प्रोडक्ट करो, बाकी कैलकुलेशन है। नहीं नहीं ये तो सब एसआई यूनिट में दिया है, देखो फोर्स न्यूटन में दिया है, एन है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है, तो ये सब एसआई यूनिट में ही है ना, कुछ आपको नहीं करना है, यूनिट चेंज नहीं करना है, बस सॉल्व कर दो आ जाएगा, सब ऑलरेडी एसआई यूनिट में है। इनमें बताओ डाउट है, 12 और 13 में कोई डाउट, इन दोनों में डाउट, 12 पे डाउट है, 12 नंबर ये बोल रहे डारा डाउट सारंग। अबे ये दो वेक्टर दिए हैं भाई, इनका डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है, आय का आय के साथ, इधर आय नहीं है जे है ना, इधर आय दोनों में बस जे और के हैं, जे का जे से करो के का के से करो। अबे सारंग इसमें कैसे डाउट है, जे का जे से करो के का के से करो, बस ऐड करके लिख दो, डॉट प्रोडक्ट ही तो निकालना है, दो वेक्टर दिए हैं डॉट प्रोडक्ट। फिर इनमें देखो इन दोनों में डाउट है, चौदह पंद्रह में डाउट नहीं है ना, 16 नंबर में डाउट है। इसमें देखो क्या है, वेक्टर ए मेक्स एंगल इक्वल एंगल विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी, तो हमें इसके कंपोनेंट बताने हैं, अगर तीनों के साथ वो इक्वल एंगल बनाएगा और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया कुछ ए है,
अगर एंगल तीनों इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, और मान लेते हैं वो पाई के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा सब इक्वल है ना, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तीनों एंगल के कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो हम बोल सकते हैं 3 cos² π = 1, मतलब cos π ± 1/√3। हमें देखो यहाँ पे सारे वैल्यू जो है केवल प्लस में बताए, मतलब हमें केवल प्लस वाली वैल्यू चूज करनी है। अब हमारा अगर एक वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है, तो एक्स वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस अल्फा, वाई वाला भी ए कॉस अल्फा ए कॉस बीटा, सब एंगल इक्वल है तो सब इक्वल ही आएंगे ना, तीनों कंपोनेंट इक्वल है, तीनों की वैल्यू है 1/√3, तो ये कंपोनेंट कितने आएंगे, तीनों a/√3 आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? सेवनटीन सेवनटीन में देखो क्या बोला गया है, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स बताना है ना कि कौन सा यहाँ पे रखना है। कैन रिप्लेस एनी वेक्टर इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आपको ये बोला गया कि अगर कोई एक वेक्टर है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कितने वेक्टर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। टू आर्बिट्री वेक्टर विच हैव ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट, टू और थ्री वेक्टर विच है ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टू और थ्री वेक्टर विच है ओरिजिनल वेक्टर एज देयर रिजल्टेंट इन पैरेलल वेक्टर। देखो तो यहाँ पे आपको बोला गया कि कोई एक वेक्टर है, अगर एक वेक्टर ए है तो इसकी जगह आप क्या बोल सकते हो, कोई भी ऐसे दो वेक्टर ले लो जिनका सम ए के बराबर हो, तो आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर की जगह लिख सकते हो बी प्लस सी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो ना, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। और दो की जगह तीन वेक्टर भी हो सकता है, तो इनमें अब देखो क्या हो जाएगा, टू और थ्री आर्बिट्री वेक्टर विच हैव ओरिजिनल वेक्टर एज दियर रिजल्टेंट, ना तो ये वाला हमारा हो जाएगा। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकता है या फिर कोई भी एंगल हो सकता है, हमेशा परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट होंगे ऐसा नहीं होता है। आयुष देखो मैंने शुरू में ही बताया था ना, कोई एक वेक्टर के कंपोनेंट कैसे भी हो सकते हैं। क्रिस मुझे ये बताओ, अगर एक वेक्टर ऐसे ए दिया है तो क्या मैं लिख सकता हूं उसको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, वेक्टर ए को मैं क्या हेड टू टेल ज्वाइन करके लिख सकता हूं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई बी प्लस सी बराबर है ए वेक्टर के, तो जहां ए वेक्टर है वहां पे मैं बी प्लस सी लिख सकता हूँ ना, अगर ए और बी प्लस सी इक्वल है तो मैं ए की जगह बी प्लस सी लिख सकता हूँ ना। तो वहां पे यही बोला गया कि एक वेक्टर को हम लोग एक आर्बिट्री डायरेक्शन में, कोई वेक्टर था एनी वेक्टर इन आर्बिट्री डायरेक्शन, कोई एक वेक्टर था कोई डायरेक्शन में मान लो ए, तो उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो कोई भी दो वेक्टर से या ऐसे ही तीन वेक्टर से जिनका सम ए के बराबर हो। ए वेक्टर को हम ऐसे तीन वेक्टर का भी सम दिखा सकते थे, बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, हम बोल सकते हैं बी प्लस सी प्लस डी पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन से ए के बराबर है, तो चाहे हम दो से रिप्लेस कर दें या तीन से रिप्लेस कर दें एक, बस हमें जो उनका सम होगा वो कम रिजल्टेंट ए के बराबर होना चाहिए। देखो क्रिस इसमें ये बोला गया कि केवल म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए कंपोनेंट, तो क्या ऐसा है अगर मैं b प्लस सी बराबर ए बोल रहा हूं तो अभी मैं a को रिप्लेस कर सकता हूं ना b और c से, लेकिन क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकते नहीं भी हो सकते ना, कोई जरूरी है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होने चाहिए? इसमें तो सारे ऑप्शन आते हैं ना कि कोई भी दो वेक्टर या तीन वेक्टर किधर भी हो चलेगा, इसमें बोला है केवल परपेंडिकुलर ही चलेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि बी और सी परपेंडिकुलर ही होने चाहिए, ऐसे एंगल पे भी हो सकते हैं। ये बोल रहा है कि केवल परपेंडिकुलर होने चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है ना, देख रहे हो ना कि बी और सी ए के बराबर है, जबकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हुआ ना। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन इसमें आपको पॉसिबिलिटी आपको बताना है कि जो हर एक कंडीशन में सेटिस्फाई हो। जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर केवल एक कंडीशन हुई, लेकिन आपको इस कंडीशन में ये नहीं, ये इसको नहीं बता पा रहा है ना, ये वाला पार्ट। ये वाला हर एक कंडीशन को बता रहा है कि बीच में कोई भी एंगल हो, तो वो एक एंगल 90 भी हो सकता है, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कुछ समझ आया बच्चों? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जब हम एक स्पेशल केस लेते हैं 90 डिग्री पे रिजॉल्व करना, तो हर जगह 90 पे ही रिजॉल्व करो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये अलग बात है कि हमें फायदा होता है तो हम 90 पे रिजॉल्व करते हैं हमेशा, लेकिन रिजॉल्व तो हम किधर भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलूं? एटींथ में डाउट है अब, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तेजस, इसमें कैसे डाउट है भाई? दोनों को ऐड करो, रिजल्टेंट चाहिए, मतलब क्या करना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है और उसका यूनिट वेक्टर बना दो। यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, ए प्लस बी करो, फिर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर का जो रिजल्ट आया उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तेजस हो जाएगा ये? बच्चों हो जाएगा? आप पैरलर मतलब उसी डायरेक्शन में ना, जैसे कोई भी वेक्टर है, अगर ये वेक्टर आर है और इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखोगे तो वो ये दोनों पैरलर ही हुए ना। जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनको पैरलर ही बोलोगे ना। कोई एक वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना मतलब दोनों पैरलर वेक्टर है। हाँ सिद्धि, ये तो है। चलो अब आगे बताओ, अगला क्या है देख लो। अब इसमें डाउट है 19-20 में, डाउट है 19-20-21 में। बीस में डाउट है। सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, देन फाइंड द फोर्सेस। देखो आपको बोला गया ये सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस है 16 न्यूटन है, और उनका रिजल्टेंट जो आया वो बोल दिया गया 8 न्यूटन का आया, और साथ में रिजल्टेंट जो है जो दो फोर्सेस थे यहाँ पर उनमें से जो छोटा वाला है उसके परपेंडिकुलर है ना। अगर हमारा एक फोर्स मान लो F1 है और दूसरा F2 है, तो उनका मैग्नीट्यूड का सम 16 है, मैग्नीट्यूड का सम ना।
और जब हम डायरेक्शन के साथ ऐड कर रहे हैं, जब हम एफ वन एफ टू को डायरेक्शन के साथ ऐड कर रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन का ना, ये रिजल्टेंट हमारा 8 न्यूटन का है, और रिजल्टेंट इन दोनों में से छोटे वाले के परपेंडिकुलर है। तो मान लो अगर एफ वन इधर है तो रिजल्टेंट किधर होगा, परपेंडिकुलर मतलब इधर होगा, तो एफ टू ऐसे होना चाहिए ना, समझ आ रहे बच्चों? एफ वन एफ टू ऐसे होंगे तभी रिजल्टेंट ऐसे आ पाएगा ना, परपेंडिकुलर। तो आपको दोनों फोर्स बताने हैं, तो अब ये आपको 8 दिया है, इन दोनों का सम 16 है, तो एक को मान लो x तो दूसरा हो जाएगा 16 - x। अब पाइथागोरस लगा दो, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो आ जाएगा, हो जाएगा बच्चों। इन दोनों में देखो डाउट है, बाईस रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी क्यू इज आर इफ क्यू इज डबल देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी देन मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ये बोला जा रहा है कि P को तो हमने कुछ नहीं किया, Q को जब हम डबल कर रहे हैं तो जो न्यू रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू P हो जा रहा है ना? तो अगर हम P वेक्टर और 2Q वेक्टर को ऐड करें, Q को डबल करके ऐड करें, तो रिजल्टेंट कैसे मिल रहा है, P के परपेंडिकुलर मिल रहा है, ये बात सही है, न्यू रिजल्टेंट ना, ये न्यू वाला रिजल्टेंट है, आर एन लिख दिया है, न्यू रिजल्टेंट। तो जब केवल क्यू रहा होगा, क्यू मान लो इसके मिड पॉइंट तक रहा होगा ना, तो पी और क्यू का रिजल्ट कितना आएगा, ये आर आया हुआ है, कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन समझ आया, पी वेक्टर और 2Q वेक्टर को ऐड करने पर नया रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, तो अगर 2Q की जगह क्यू हुआ होता तो यहीं तक होता ना क्यू, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आता है, ऐसे बीच में आ रहा होता। तो हमें अब आर की वैल्यू बतानी है ना, ये आर कितना होगा, एक मिनट रुको ना, कैलकुलेशन सोच लूं क्या कैलकुलेशन करना चाहिए इसमें। एंगल थीटा है तो पी क्यू के बीच का एंगल यही बोलोगे ना, थीटा इसी को बोलोगे ना, पी क्यू के बीच का एंगल, ये बात सही है, पी क्यू के बीच का एंगल इसी को बोलोगे ना, जब पी को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये जो एंगल होगा वो पी क्यू के बीच का एंगल होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 - थीटा, ये आ जाएगा ना 180 - थीटा। तो अब इस ट्रायंगल एंगल के लिए कॉस थीटा लगाओगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 180 - थीटा कितना होगा,
कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होगा बच्चों? पहले ये ट्रायंगल में बताओ, इस एंगल के कॉस की वैल्यू कितनी होगी ट्रायंगल से? इस एंगल के कॉस की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस ना, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ना, मतलब हम बोल सकते हैं पी अपॉन में 2q ना, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में हम कॉस थीटा लगा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा टू पी बाई 2q। तो इसका मतलब जहां पे कॉस थीटा आएगा वहां लिख देंगे माइनस ऑफ पी बाई 2 ना, जहां पे कॉस थीटा आएगा वहां पे ये लिख देंगे अब हमें देखो ये पता है कि पी क्यू को जब ऐड करेंगे, पी क्यू को ऐड करेंगे तो आर मिलेगा, तो फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा ना, पी क्यू के बीच का एंगल थीटा है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो माइनस पी बाई 2q लिख देंगे ऐसे। तो अब देखो 2q नीचे भी है 2q ऊपर भी है, ऊपर माइनस पी स्क्वायर आएगा, माइनस पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कट जाएगा तो केवल q आ जाएगा ना, ये वाला आंसर आ जा रहा है। कुछ समझ आया बच्चों? पहले हमने cos थीटा निकाल लिया इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, फिर PQ के रिजल्टेंट के फॉर्मूले में डाल दिया। ठीक है बच्चों आगे चलें। चलो अब इनमें बताओ, इनमें कोई डाउट है? ट्वेंटी थ्री में देखो क्या है, अ बाइक गोइंग ड्यू ईस्ट एट 10 meters per second टर्न्स राइट एंगल टू 90 degrees, द स्पीड ऑफ बाइक रिमेन्स अनचेंज इन टर्न, व्हाट विल बी द चेंज इन द वेलोसिटी? हमें देखो वेलोसिटी में चेंज चाहिए ना, टर्न्स राइट 90 degrees, अगर हम इसको बोले ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो अगर कोई इधर को जा रहा था ना, अगर कोई इधर को जा रहा होगा तो 90 degrees जब वो टर्न करेगा तो किधर जाएगा, नॉर्थ में जाएगा साउथ में जाएगा? अगर आप इधर को जा रहे हो तो आपका इधर लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा इस साइड जाने के टाइम पर ना? 90 डिग्री राइट मतलब साउथ में जाओगे ना, इधर आपका राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, जब आप ऐसे चल रहे होगे, ये तो बचपन में सब लोगों ने पढ़ा होगा ना कि सूर्य की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ तो जो राइट हैंड होगा वो साउथ के साइड होता है, लेफ्ट हैंड नॉर्थ के साइड होता है ना, तो अभी आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो मतलब सूर्य के सामने खड़े हो तो आपका राइट हैंड किधर होगा, साउथ की तरफ, तो आप पहले इधर जा रहे थे बाद में इधर को टर्न कर गए, तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना बोलोगे? अगर हम बोल दें कि भाई इधर को एक्स एक्सिस है इधर को वाई एक्सिस है, तो इनिशियली आप एक्स में जा रहे थे ना, एक्स में जा रहे थे तो कितना बोलोगे, स्पीड थी 10, तो आप बोलोगे 10 i कैप, और बाद में किधर टर्न करके जा रहे हो, नीचे को जा रहे हो ना, मतलब तो निगेटिव वाई एक्सिस में, तो कितना बोलोगे, स्पीड सेम है ना, माइनस 10 j कैप, तो चेंज कितने का आया? चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं ना, फाइनल कितना है, फाइनल ये वाला है ना, ये इनिशियल वाला है, तो यहां लिख देंगे माइनस 10 j कैप माइनस 10 i कैप, तो ये आपका चेंज आ गया।
आपको चेंज का मैग्नीट्यूड बताना है। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताना है, तो आप इसका मॉड ले लो, चेंज का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा 10√2, मतलब 14.1 समथिंग आ रहा होगा। कुछ समझ आ रहा है? चेंज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मॉड ले लोगे ना वेक्टर का, 10² + 10² अंडर रूट में। डायरेक्शन बना सकते हो क्या आप इस वेक्टर का? आपके पास चेंज वाला वेक्टर जो है उसकी वैल्यू आई है -10i कैप -10j कैप ना, इसको क्या आप दिखा सकते हो? डायरेक्शन भी बताना है कृष्ण, 10i कैप और 10j कैप, -10i कैप -10j कैप को डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? उस वेक्टर के टेल पर आप पहले ऐसे, अगर आपको वेक्टर गिवन है तो आप उसको वहां पे एक्सिस बना लो और वहां पे दिखाओ -10i कैप मतलब किधर, -10i कैप मतलब एक्स एक्सिस पे -10 और -10j कैप मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पे 10, इनके बीच में आपका वेक्टर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना, और दोनों अगर साइड 10-10 है तो ये एंगल 45 आएगा ना, tan थीटा इक्वल टू 10/10 1 आएगा। समीरन अभी बताता हूं, तो मेरा डाउट अभी क्लियर करता हूँ, बट ये बात समझ आ रही है सबको? अगर 45 डिग्री होगा तो आपको एंगल बताने की जरूरत है, 45 होगा तो आप बोलोगे ये वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ बोलोगे ना, तो ये हो जाएगा। समीरन अपना जो डाउट है वो चैट टू एवरीवन में डालो। समीरन का बोलना है कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो उससे साउथ ईस्ट मिल रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेगा? एडिशन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन मिलेगा। अगर एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये v1 v2 का एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है। अबे हेड टू टेल दोनों को ज्वाइन कर दिए ना, v1 v2 को एडिशन हो गया ना, अगर दो वेक्टर है v1 v2 और हेड टू टेल ज्वाइन कर दिए तो एडिशन हो गया ना उनका, सब्ट्रैक्शन कहाँ हुआ? समीरन कुछ समझ आ रहा है? अगर आपको ऐसे ट्रायंगल से सॉल्व करना है तो v2 - v1 निकालना है ना, तो v2 + -v1, v1 को उल्टा करके ऐड करो, v1 को उल्टा करोगे तो किधर जाएगा? अभी v1 ऐसे था तो उल्टा करोगे तो ऐसे हो जाएगा ना। अब इनको हेड टू टेल ज्वाइन कर दो ना, ये -v1 है और ये v2 है, तो ऐसे आ जाएगा। तो अब देख लो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ऐसे आ गया। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पे ना, v2 - v1 निकालना है। बच्चों समझ आया? 23rd समझ आया क्या किया मैंने? इन दोनों में और कोई डाउट है? 24, 25 में देखो यहाँ मॉड लगा है ना, मॉड ऑफ v1 + v2 बराबर है मॉड ऑफ v1 - v2। यहाँ पे देखो केवल मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड का मॉड बराबर है डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के मॉड के। तो आप अगर पैरेललोग्राम से सोचो तो एक पैरेललोग्राम में v1 v2 का सम कैसे मिलता है?
एक डायगोनल सम बताएगा। और दूसरा डायगोनल इनका डिफरेंस बताएगा। इनका डायरेक्शन तो सेम नहीं हो सकता ना, देख लो डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड मॉड लगा है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। कौन से पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल या स्क्वायर में ही होते हैं ना, रेक्टेंगल में ही दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब V1 और V2 रेक्टेंगल हुआ, मतलब क्या हुआ, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री ना, तो V1 V2 परपेंडिकुलर होने चाहिए। अनिकेत मानसी समझ आया तुम लोगों को? ठीक है बच्चों, तो फिर हमारा पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डाउट डिस्कशन करते हैं ना, तो ये पेपर डिस्कशन था इसलिए ये वीडियो मैं यही पॉज करके नया वीडियो ये स्टॉप करके नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इसको मैं अलग नाम से डाल दूंगा, पेपर डिस्कशन नाम से ना इसको।